अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर केथ का SPU हेडक्वार्टर मनामा का दौरा और DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर केथ ने SPU हेडक्वार्टर मनामा का दौरा किया और DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की। एडिशनल डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड गुलाम सफदर भट्टू, डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी और PSO2 DIG शकील अहमद खोखर ने अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर का इस्तकबाल किया और मेजर रिटायर्ड गुलाम सफदर भट्टू ने सिक्योरिटी अमूर पर अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर को ब्रीफिंग दी। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और DIG SPU के माबेन अमरीकी शहरियों और कौंसलेट की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि इस फोर्स का कमांडर होने की हैसियत से मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामले शुरू से बेहतर थे, जो कि 2016 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के वजूद में आने के बाद मजीद बेहतर हुए हैं और आने वाले वक्त में भी मजीद बेहतरी की जानिब गामजन रहेंगे। मजीद बारह अमरीकी शहर बिला झिझक पाकिस्तान के किसी भी एक सूबे से दूसरे सूबे में महफूज सफ़र कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम दे सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि SPU के जवान नहायत तरबियत याफ्ता हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आया है। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर केथ ने सिक्योरिटी पर SPU के खिदमात का एतराफ़ किया और सिक्योरिटी मामलात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि मुझे पूरा एतमाद और यकीन है कि अमरीकी शहरियों की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है और अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात नहायत अहमियत के हामिल है। नेज़ दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा से काबिल तारीफ़ रहा है। बाद अज़ां उन्होंने SPU कंट्रोल रूम का विज़िट किया और बाहमी एजाजी शील पेश की।